नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है छीमक से, जहां मजदूर महिला विनीता बाई ने बताया है कि मोहम भागवाली ने मजदूरी करके हम लोग 3 दिन से कड़ी धूप में भूखे प्यासे चले आ रहे हैं और अपने घर उमड़ी के लिए जा रहे हैं और अभी तक प्रशासन की कोई मदद नहीं मिली है। कोविड-19 के संक्रमण के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार के द्वारा लगाए गए लॉकडाउन से बाहर के मजदूरी करके लौटे केंद्र और प्रदेश सरकार की, जब अन्य प्रदेशों में लॉकडाउन में फंसे अमीरों के बच्चों को लाने के लिए प्रशासन द्वारा तरह तरह की मदद कर रही है और उन्हें लाने के लिए सरकार अपने खर्चों पर बसों के माध्यम से उन्हें अपने प्रदेश में बुला रही है और आज इन गरीब मजदूरों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं है, ना तो खाने की और ना ही पीने की। उन्हें लाने के लिए सरकार ने कोई भी कदम नहीं उठाया है और ये मजदूर लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर से कड़कड़ाती धूप में पैदल घर तक आ रहे हैं। छीमक से संवाददाता वीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। ये काम पड़ेगा अपने, कहाँ जाओगे? गाड़ी उठा कर गाड़ी उठा के लाने से। कहाँ की रहने वाली हो? कहाँ से आ रहे हो इधर से? ड्रोली से। कितने दिन हो गए आपको पैदल चलते चलते? इधर कहाँ जा रहे हो? घर पे जा रहे हैं। कौन सी जगह है? अच्छा मुझे ये बताओ, आपको रास्ते में कोई सहायता नहीं मिली सरकार की तरफ से या कोई वैसी भी? नहीं, कोई सहायता नहीं। खाने पीने की कोई व्यवस्था रास्ते में? कुछ नहीं, नहीं रहा कहीं हमें, कुछ नहीं। तो आप लोग 3 दिन से बराबर ऐसे ही पैदल चल के आ रहे हो? अच्छा, वहाँ पे काम करने के लिए गए थे आप लोग? तो गेहूँ काटने के लिए गए थे, तो जो लोग आपको लेके गए थे वो लोग यहाँ छोड़ने के लिए नहीं आए हैं? चलो ठीक है। दादा आपका नाम क्या है? डोबरा। कहाँ से रहने वाले हो? उमरी। अच्छा आप कहाँ से आ रहे हो? हम बघौली से। बघौली से। अच्छा मुझे ये बताओ, आप इतने कितने दिनों से पैदल चल के आ रहे हो? 3 दिन हो गए। 3 दिन हो गए। रास्ते में कोई सहायता, खाने पीने या कोई भी व्यवस्था? नहीं, कोई किसी ने नहीं। साधन की व्यवस्था? साधन कोई साधन, पैदल चले आ रहे हैं। आप वहाँ पे काई के लिए गए थे? गेहूँ काटने। गेहूँ काटने के लिए जो आपको लेके गया था वो आपको छोड़ने के लिए?